Hello and welcome back. I hope you are enjoying this series. Very good morning to all of you. I hope सबकी काफ़ी energetic good morning रही हो और अगर नहीं थी energetic तो अब हो गई होगी. So very good morning and have a good day ahead. चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा, आज की न्यूज़. कुलदीप शर्मा, कार्तिक द्विवेदी, साहिल रावत, गोविंद परिदा, ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बायजूस एग्ज़ाम प्रेप की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को बेटर किया है. आप भी कर सकते हैं. मैं कौन हूँ? मेरा नाम प्राची सोनी है और मैंने वेरियस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग CDS, AFCAT, SSB क्लियर किया है. और अगर आप भी ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं सो काइंडली गेट इन टच विद मी. आप प्राची सोनी बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्लास में मैं फ्री लिंक फ्री क्लास ले रही हूँ, आई टेक यू कैन अटेंड दैट क्लास. तो मॉर्निंग करंट अफेयर्स शुरू करते हैं. उससे पहले एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है सबका, मैम करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं. सो दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करती हूँ. मैंने एग्जाम्स क्लियर करे हैं इसी स्ट्रैटेजी की हेल्प से. सो आई एम टेलिंग यू, आप डिफरेंट A4 साइज़ की शीट्स ले सकते हैं और इन A4 साइज़ की शीट्स पे आप अलग अलग कैटेगरी लगा सकते हैं. डिफेंस की, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेज इन न्यूज़, साइंस, डेज, एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग. इस तरीके से आप अलग अलग शीट्स ले सकते हैं और जो भी हम न्यूज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं इन योर न्यूज़ और आप इसको लिख सकते हैं. जैसे कि इंडिया टेक्स SCO की प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, तो ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएगी. ये आपने इंटरनेशनल न्यूज़ में लिख दिया. टाइफून ननमडोल आया है, ये भी आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएगी. ये आपने लिख दिया. USAID और UNICEF ने सीरीज़ लॉन्च करी है दूर से नमस्ते, तो ये आपकी नेशनल न्यूज़ में आ जाएगा. फिर अंडमान एंड निकोबार पहली स्टेट बनी है जहाँ पे सब लोगों को प्रिकॉशनरी डोजेज़ लग चुकी हैं, ये आपकी नेशनल न्यूज़ हो जाएगी. फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी का फैक्ट्री लगाई गई है आंध्र प्रदेश में, ये आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ की कैटेगरी हो जाएगी. कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स, पहला फिल्म जो थिएटर होता है वो खुल रहा है आफ्टर 30 ईयर्स, 3 डिकेड्स के बाद. ये आप प्लेसेस इन न्यूज़ में लिख सकते हो. स्वाति पीरामल को फ्रांस का टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है, ये आप अवार्ड कैटेगरी में लिख सकते हैं. एंड इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ, आप इसको यू कैन राइट मेंशन दिस इन योर कैटेगरी ऑफ डेज एंड टाइम. नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ लेते हैं. तो मैंने इस तरीके से आप न्यूज़ बना सकते हैं. इट विल हेल्प यू एट दी लॉन्गर रन, आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी रहती है ऐसे न्यूज़ बनाने से. इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया को SCO का रोटेटिंग प्रेसिडेंसी मिला है और हम SCO समिट होल्ड करेंगे 2023 की. जैसे कि हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो मीटिंग हुई थी वो अभी समरकंद उज़्बेकिस्तान में हुई थी एंड इसकी प्रेसिडेंसी अब इंडिया को मिल गई है फॉर द ईयर 2023. यस. तो नेक्स्ट टाइफून ननमदूल आया है आपका, एक मिनट, टाइफून ननमदूल आया है. ये जो टाइफून है ननमदूल, ये कहाँ पे आया है? ये जापान में आया है और इसकी वजह से काफ़ी सीवियर विंड्स आई हैं, बहुत ज़ोर से हवा चली है और सितंबर 19 को आया था और कंट्री को हिट करने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉर्म्स है पिछले कुछ सालों में. इस स्टॉर्म की वजह से जो लोग रह रहे थे साउथ वेस्ट एरिया में, उनको बोला गया है कि आप सेफ़र प्लेस पर जाके रहिए. ननमदोल को एक सुपर टाइफून की कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि इसकी जो स्पीड है ये 240 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज़ है. दूर से नमस्ते, अब देखो आपको नाम सुनते ही समझ में आ रहा होगा दूर से नमस्ते. जो नमस्ते करने का कॉन्सेप्ट था ये कोविड में बहुत ज़्यादा चला था बिकॉज हम लोग हैंडशेक कर रहे थे, हम किसी से बहुत पास से बात कर रहे थे तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा था. दूर से नमस्ते ये एक कोविड एजुकेशन पे सीरीज़ है जो कि USAID, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID और USAID बोलते हैं एक्चुअली में इसको, USAID और UNICEF ने लॉन्च करी है दूर से नमस्ते. दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज़ है और यस, ये जो इवेंट है ये थिएट्रिकल फिल्म है और वैक्सीनेशन प्रमोशन और COVID-19 अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेगी. जो दूर से नमस्ते है ये एक न्यू टेलीविज़न सीरीज़ है और ये लोगों में हेल्दी बिहेवियर कि अब तो पैंडमिक ख़त्म हो गया बट आपने वो जो बिहेवियर है उसको उसी तरीके से मेंटेन करके रखना है एंड यू डोंट हैव टू यू नो लेट इट गो. और जो हाइजीनिक सैनिटेशन उसी तरीके से मेंटेन करना है. अंडमान एंड निकोबार पहली स्टेट बनी है जहाँ पे 100% यानी कि जितने भी लोग हैं उन सबको प्रिकॉशनरी जो आपकी 2 डोजेज़ लगनी थी, फर्स्ट 2 डोजेज़ सबको लग चुकी हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में पूछा जा सकता है आपसे, करंट अफेयर्स में आ सकता है. नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम आयन सेल। इंडिया कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा था लिथियम आयन सेल्स की। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी हम इंपोर्ट कर रहे थे कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर। अब हम अपनी पहली फैक्ट्री बनाने वाले हैं लिथियम आयन की आंध्र प्रदेश तिरुपति में। तो जो प्री प्रोडक्शन रन हुआ था, टेस्ट करा और सब अच्छे से हुआ तिरुपति आंध्र प्रदेश में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने ये किया था। नेक्स्ट, स्वाति पीरामल को फ्रांस का टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये आप अवार्ड सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर पर्सन इन न्यूज़ किसी में भी लिख सकते हैं। और क्या अवार्ड दिया गया है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। वाइस चेयर हैं ये पीरामल ग्रुप की, स्वाति पीरामल। इसी न्यूज़ को अगर आप और ज़्यादा ग्रेट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, और हम और भी वेरियस इश्यूज़ डिस्कस करते हैं, हाउ इज़ एसएसबी, किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, बुक्स वगैरह, तो आप मुझे डेली रात को 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं BYJU'S एग्ज़ाम प्रेप की ऐप पर। ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री होती है, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं इस क्लास के लिए। इस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वॉच दी क्लास, इन्जॉय दी क्लास। आपकी कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो आप यूट्यूब क्लास में कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं एंड आई विल एड्रेस इट। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, काइंडली डू सो एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर इम्पॉर्टेंट एंड कंटेंटफुल वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।